अलैकुम, कैसे हैं आप? तो बात ये है कि जो मैंने सेंटपिट वाला ब्लॉग बनाया था वो मैं पूरा कंप्लीट डे का नहीं बना पाया था सेंटपिट पे, तो मैंने आपको बताया था। और अगर वो ब्लॉग आपने नहीं देखा अभी तक तो जाके देखें, वरना ये ब्लॉग देखने में आपको मजा नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ उसकी। तो फिर हट वही है, जगह वही है, मोबाइल नया है और ट्राइपॉड भी नया है भाई का। अच्छा, जो सारा मैंने आपको दिखा दिया था वो ब्लॉग में ऐसे नहीं दिखाया। हट आप देख चुके हैं, रास्ता आपको मैंने दिखा दिया, सब दिखा दिया। अब हम जो पूरा दिन मैं करूंगा मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, पानी में जाएंगे, जो जो करेंगे मैं आपको दिखाता रहूंगा। और उम्मीद है कि ब्लॉग आपको अच्छा लगे, कोशिश करूंगा अच्छा बनाने। तो फिर अभी मैं ला रहा हूँ अपने ये बन कबाब। पकौड़े पहले हम लाए थे, हमने खा लिए थे, चाय रास्ते में पी थी। बन कबाब अभी लाया हूँ, तो बन कबाब आपको दिखाता हूँ और फिर खाता हूँ और नीचे जा रहा हूँ बस। तो भी है और हमारा बन कबाब भी है। तो बन कबाब का 120 FPS जरा चेक कर लें। हमारे बन कबाब में से पहला बाइट ही हारिश भाई का है। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। इधर सामने ही मस्जिद है। अच्छा, तो नमाज पढ़ के मैं आ गया हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। अभी इधर कोई भी नहीं है, ब्लॉक करने में आसानी हो रही है। बारबेक्यू का सामान अभी हमने गाड़ी से निकाल लिया, तो बारबेक्यू करेंगे। कपड़े अभी हम चेंज करेंगे क्योंकि पानी में फिर जाएंगे। अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। लेकिन उससे पहले आपको स्लो मोशन शॉट्स पानी वगैरह के, हट्स वगैरह के दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा।
ऑर्डर मैंने चेंज कर लिए, हमने दो मोशन शॉर्ट्स भी देख लिए, अभी जो फर्स्ट फ्लोर का मैंने उसने आपको व्यू दिखाया था वो दिखाता हूँ, फिर फर्स्ट फ्लोर पे एक व्यू नहीं है, दो व्यू है, उसके बाद दूसरा दिखाऊंगा, पहले ये देख लें उसके बाद दूसरा। ये व्यू है जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था। अच्छा मैं आपको दूसरा व्यू दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ उसके बारे में। अच्छा ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये है शैलो बैच और ये मैंग्रोव प्लांट्स है, और मैं आपको इधर जूम करके दिखाऊं दूर तो इसको मकामी जबान में होड़ी कहा जाता है, इधर की सामने जो बोट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको होड़ी कहा जाता है। अच्छा मैं आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा ये बहुत दूर मैंने इधर जूम किया हुआ है और इसलिए इससे फोकस नहीं हो रहा, ये शम्स जेटी है, शम्स धक्का भी इसको बोलते हैं, और ये सारी फिशिंग बोट्स खड़ी हुई हैं, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ। अच्छा ये जो मैंने आपको शैलो पैच दिखाया, जब समंदर में हाई टाइड हो जाता है पानी तो कुछ पानी शैलो पैच में आ जाता है, और जब लो टाइड हो जाता है तो शैलो पैच से पानी इतना भी कभी कभी कम हो जाता है कि उसकी जमीन नजर आ रही होती है। और ये जो मैंग्रोव प्लांट्स थे ये पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं, पाकिस्तान में है ये, और ये इसलिए ब्रीडिंग के लिए होते हैं ये, कि फिशेस हो गई, क्रैब हो गए और प्रॉन्स हो गए, ये आके इधर ब्रीडिंग करते हैं। और वो जो मैंने आपको दिखाया शम्स बोट में है वो इसलिए उसको शम्स जेटी बोलते हैं, अभी वो बोट इसलिए उधर खड़ी हुई है क्योंकि आज 1 अगस्त है और 16 अगस्त तक इनको परमिशन नहीं है, क्योंकि हाई टाइड है पानी तो 16 अगस्त तक इनको परमिशन नहीं है बोट अपनी चलाने की, उधर ही खड़ी रहेगी। तो बाकी अब मैं जा रहा हूँ नीचे बारबेक्यू कर रहे हैं, तो बारबेक्यू ये स्लो मोशन शॉट्स आप देख लें, बाकी तो आपने समंदर वगैरह के देख लिए, तो फिर चलते हैं नीचे। अच्छा अब बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको और बहुत आपको मैंने स्लोमो शॉट्स दिखा दिए, और अभी 4 बजे दोपहर के, तो अब मैं पानी में जाता हूँ नहाने क्योंकि मगरिब तक हम चले जाएंगे, तो फिर अब जा रहा हूँ तो फिर आपसे मैं मिलता हूँ, और बस मिलता हूँ फिर आपसे। अच्छा तो अभी 6:30 हो गए हैं, नहीं 7:15 हो गए हैं अभी शाम के, और नहा के हम आ गए, फ्रेश भी हो गए, और हारिस भाई से अभी मिलवाता हूँ आपको, क्योंकि आज हारिस भाई को ब्लू बॉटल ने टांग पे काटा है, 1 अगस्त से 8 अगस्त के स्टार्ट में ब्लू बॉटल जुलाई अगस्त में तो होती है, हारिस भाई को टांग पे काटा है, तो उनसे पूछते हैं उनको लग कैसा रहा, कैसा लग रहा है हारिस भाई आपको, आगे जरा बताएं आप। बड़ा मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, एकदम लबे सीरी सा लग रहा है। ब्लू बॉटल ने आपको काट दिया, आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा इधर आओ यार। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पानी के सिनेमैटिक्स थे मेरे सिनेमैटिक्स थे, ये ब्रेन में नहीं आ रहा है, पानी के सिनेमैटिक्स थे मेरे सिनेमैटिक्स से, पत्थरों के जो भी सारे बाहर के सिनेमैटिक्स थे हारिस भाई ने सारे बनाए हैं, भाई सिनेमाटोग्राफर है भाई। अच्छा हारिस भाई से तो आप मिल लिए, और अब एक स्पेशल न्यू अपीयरेंस मेरे ब्लॉग में न्यू एंट्री होने वाली है हमजा भाई की, हमजा भाई से नहीं मिले अभी तक आप, तो हमजा भाई से मिलवाता हूँ आपको। अच्छा तो दिस वॉज आवर डे, एंजॉय द लॉट, होप कि आपको भी मजा आया हो, अल्लाह हाफिज। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब लो टाइड हो जाता है तो इधर से पानी खाली हो जाता है, तो आप देख सकते हैं इधर से पानी खाली हो चुका है, बाकी ये लॉन्चेस वगैरह आप देख सकते हैं, बोट्स देख सकते हैं।